शास्त्रीपुरम हाइट्स के अंतर्गत बने हुए आवासीय मकान में रह रहे लोगों को घरेलू परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों का एक समूह क्षेत्र लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया। से मंडल अध्यक्ष आगरा हूँ, नाम मेरा धर्मेंद्र कुमार राजपूत है। आज हम डीएम साहब के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं और ये विषय यह है कि शास्त्रीपुरम में आवासीय योजना के जो मकान बने हुए हैं उसमें सीवर लाइन चौक पड़ी है, जिससे माहवारी फैलने का संभावना है। उसे सफाई कराने के लिए अनुरोध हमने ज्ञापन दिया है और वहां पर लाइट व्यवस्था भी फेल चल रही है और पानी पीने की जो सुविधा है, वो जो गंगा जल आ रहा है वहाँ पर तक नहीं पहुँचा अभी तक, तो उसकी भी मांग की गई है। और आगे जिन लोगों के लिए मकान नहीं है उनके लिए मकान अप्रूवल कराने के लिए भी मांग की गई है। हमारा नाम भारतीय किसान के जिलाध्यक्ष हैं अम्बापता के। हम आए थे काशीराम आवास योजना में, जो किराए पर रह रहे हैं लोग, उन्हें बड़ी दिक्कत पड़ रही है और जो मतलब उनकी फ्लैट हैं वो मतलब किराए पर रहते, उनका मकान दूसरी जगह है वो किराए पर उठा दिए गए हैं और वहाँ पर लाइट के खंभे लगे हुए हैं। कहाँ पर? काशीराम आवास है, शास्त्रीपुरम में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे नाली चौक हो गई है और वह सफाई नहीं है, वहाँ पे कह रहे हैं बड़ी बड़ी घास खड़ी है, कीड़े निकलते हैं, बड़ी दिक्कत पड़ती है और बीमारी फैलती है वहाँ पे, इस वजह से आए थे हम लोग। हाँ जी।